नाउ वी विल लुक एट एन अदर मॉडल दैट इज पीरियोडिक रिव्यू मॉडल इससे पहले हमने कंटिन्यूस रिव्यू मॉडल स्टडी किया था जो कि रिओर्डर प्वाइंट के नाम से भी हमने uh, उसको स्टडी uh, किया था कंटिन्यूस रिव्यू मॉडल के अंदर दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है डिटर्मिन करनी वन इज द ऑर्डर क्वांटिटी बिकॉज ऑर्डर क्वांटिटी सेम रहती है जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इन कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम दूसरी वैल्यू है रीऑर्डर पॉइंट की जहां आ, ये वो पॉइंट है जहां इन्वेंट्री लेवल उस पॉइंट पर रीच करती है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं दैट वाज कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम कंटिन्यूस रिव्यू के अंदर ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होती है जबकि पीरियड जो है कि कब ऑर्डर प्लेस होगा वो वेरी करता है नाउ इन पीरियोडिक रिव्यू मॉडल जो रिव्यू और ऑर्डर पीरियड है जिस पर हम रिव्यू करके ऑर्डर प्लेस करते हैं वो फिक्स होता है और क्वांटिटी जो है ऑर्डर क्वांटिटी वो वेरी करती है इस केस के अंदर देर आर टू वैल्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक तो रिव्यू पीरियड है और आप कह सकते हैं कि इन टाइम इंटरवल जिस पर रिव्यू किया जाए विच को हम जिसको हम डिनोट करते हैं वे टी और दूसरा है मैक्सिमम इन्वेंट्री या जिसको हम कहते हैं टारगेट इन्वेंट्री टारगेट इन्वेंट्री हम क्यों डिटरमिन करते हैं क्योंकि ये हमारी टारगेट होती है जब भी हम रिव्यू करते हैं तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द टारगेट इन्वेंट्री एंड द इन्वेंट्री लेवल जिस पर हम पहुंचे हुए हैं ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल वो डिफरेंस जो होता है वो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी बन जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन के रिव्यू पीरियड तक कितनी डिप्लीट हुई है इन्वेंट्री उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर होगा इसीलिए क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है और जो टाइम uh, इंटरवल है वो इस केस के अंदर फिक्स्ड होता है सो इस केस में वी नीड टू डिटरमिन टू वैल्यूज दैट इज टारगेट इन्वेंट्री एंड द रिव्यू इंटरवल ये जो मॉडल uh, है इट इज गुड मॉडल फॉर लो वैल्यू प्रोडक्ट वाई बिकॉज इस केस के अंदर जो इन्वेंट्री लेवल है वो रेलेटिवली हाई होता है कंपेयर टू कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री लेवल थोड़ा लो होता है उसकी रीजन क्या है कि कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम के अंदर हम सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं लीड टाइम को कि उसके अंदर अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए और डिमांड एकदम बढ़ जाए तो उसको हम किसी तरह प्रोटेक्ट कर सके उसके लिए सेफ्टी स्टॉक रखा होता है लेकिन वो क्योंकि सिर्फ लीड टाइम के लिए होता है तो वो सेफ्टी स्टॉक थोड़ा कम होता है कंपेयर टू पीरियोडिक रिव्यू जिसके अंदर सिर्फ लीड टाइम के अंदर ही नहीं बल्कि रिव्यू पीरियड के दौरान भी आ, जो स्टॉक आउट है वो अकर कर सकता है तो उसके लिए हमने पूरे पीरियड को पूरे साइकिल को हमने प्रोटेक्ट करना होता है उसके लिए हमारे जो सेफ्टी स्टॉक है वो रेलेटिवली ज्यादा होता है तो इसलिए ये जो सिस्टम है क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट एक्सपेंसिव आइटम की ज्यादा होगी तो उसके लिए फिर लो इन्वेंट्री वाला सिस्टम प्रेफर किया जाता है जो जो के है कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम पीरियडिक रिव्यू सिस्टम हम लो वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं दूसरा ये सेम वेंडर से आ, परचेज करते हैं और इसके अंदर एक वक्त में कई आइटम्स को हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो इसके लिए बेहतर हो जाता है और उसकी वजह से हम इकोनोमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं उसके लिए क्योंकि ये हमने इंटरवल डिटरमिन किया होता है तो हम कई आइटम्स का सेम इंटरवल डिटरमिन कर सकते हैं रिव्यू इंटरवल और उसके बेसिस के ऊपर क्वांटिटीज हर आइटम की उसी वक्त चेक की देखा कितनी शॉर्टेज है उतनी क्वांटिटी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसकी वजह से हम इकोनॉमी ऑफ स्केल्स वगैरह अचीव कर लेते हैं तो इसके लिए ये सिस्टम बेहतर होगा इसको अगर हम देखें कि फिजिकली कैसे चलेगा हमने बेसिकली ये देखा था कि ईओ मॉडल जो था उसमें डिमांड वॉज नोन एंड कॉन्स्टेंट तो वो हमें पता था कि डिमांड किस तरह जा रही है लेकिन इस केस के अंदर जो एक्चुअल लाइफ के अंदर होता है डिमांड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट बेसिकली हम फोरकास्ट ही कर सकते हैं प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली डिमांड का हमें नहीं आइडिया होता सो so, इसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो कंज्यूम होगी नाउ दिस इज लेट्स से मैक्सिमम इन्वेंट्री जो हमने डिटर्मिन की हुई है कि इस लेवल तक हमने uh, इन्वेंट्री को मैक्सिमम ले जाना है इन्वेंट्री सेल्डम इस लेवल तक पहुंचती है उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं रीजन ये कंज्यूम हुई इन्वेंट्री ये कंज्यूम हो रही है स्टेप वाइज जा रही है और इस पॉइंट के ऊपर बिकॉज दिस इज द रिव्यू पीरियड इंटरवल आ गया है तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है ऑर्डर कितना प्लेस किया हैंड हमारे पास इन्वेंट्री लेवल जो है वो स्मॉल क्यू है उसके और मैक्सिमम इन्वेंट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है और डिफरेंस है उसकी वजह से हमने पहला क्यू ऑर्डर प्लेस कर दिया अब ये ऑर्डर जब हम रिसीव करेंगे तो उस वक्त तक इस लीड टाइम में फिर हमारे इन्वेंट्री कंज्यूम हुई और इस पॉइंट पर आकर हमने रिसीव किया तो एक्चुअली इन्वेंट्री कितनी बिल्डअप हुई क्यू वन इसके अंदर हम ऐड कर लें तो हमारे पास ये इन्वेंट्री बिल्डअप हुई तो सेल्डम वी विल सी के इन्वेंट्री एक्चुअली टचेज द टारगेट इन्वेंट्री और मैक्सिम इन्वेंट्री इसके रीजन ये है कि लीड टाइम के अंदर क्योंकि कंज्यूम हो गई होती है तो जब हमने ऑर्डर प्लेस किया होता है तो वो जब कंज्यूम हुई हुई इन्वेंट्री के अंदर एड करते हैं तो वो मैक्सिम इन्वेंट्री को अचीव नहीं करता इसी तरह क्यू टू आप देख लें यह प्वाइंट था जहां हमने वो टाइम जो है इंटरवल वो यहां पहुंचा हमने ये ऑर्डर प्लेस किया Q2 टू इज स्मॉलर देन Q1 जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटी वेरी करती है टाइम इंटरवल सेम होता है तो वो हमने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन जब हमने रिसीव किया तो उस वक्त इन्वेंट्री लेवल थोड़ी सी कम हो गई थी और उसकी वजह से अगेन हम मैक्सिमम इन्वेंट्री को हमने नहीं अचीव कर सके तो ये हमेशा मैक्सिमम इन्वेंट्री या टारगेट इन्वेंट्री से एक्चुअल इन्वेंट्री लेवल यूजली कम होता है इसके अंदर अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अंदर जो हमने डिमांड चेक करनी है टू अचीव दिस टारगेट इन्वेंट्री डिटरमिन टारगेट इन्वेंट्री तो उसके अंदर डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम ही नहीं है बल्कि डिमांड ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड प्लस लीड टाइम मैंने आपको बताया है कि इन्वेंट्री हमारे पास ज्यादा इसके अंदर होती है इसी तरह जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग पीरियड एंड लीड टाइम वो इससे हमने कैलकुलेट करना है स्क्वेयर रूट ऑफ टी प्लस एल टी और इस बेसिस के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं वो रिव्यू पीरियड इज क्यू ओवर डी ये इसको मल्टीप्लाई 52 से करेंगे तो वीक में आ जाएगा और इसी तरह टारगेट इन्वेंट्री ये हमारी इस तरह कैलकुलेट होगी